पदाधिकारी के हो सकता है नौसमझी के कारण या किसी गलती के कारण, यदि कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है किसी जनप्रतिनिधि को लगता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग इसको सामान्यतः जानकारी देने के लिए इस प्रकार का पत्र भेजा जाता है। हमने उनसे कहा है कि आप आवेदन लेकर के भेजिए मेरे पास या आइए, हम उस आवेदन पर अपने विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठ करके जो भी कोशिश करेंगे कि उसके आवेदन पर विचार हो। पदाधिकारी के हो सकता है नौसमझी के कारण या किसी गलती के कारण, यदि कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है किसी जनप्रतिनिधि को लगता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग इसको सामान्यतः जानकारी देने के लिए इस प्रकार का पत्र भेजा जाता है। इसलिए कोई ऐसा विशेष नहीं है। क्या लगता है आपको कि ऐसा होता है, अफसरशाही हावी है और इसकी वजह से ये पत्र लिखना पड़ा है? नहीं नहीं, इसमें कोई अफसरशाही हावी होने की बात नहीं है, ये अज्ञानता के अभाव में होता है। बिहार में अफसरशाही कैसे हावी हो जाएगा? मानते हैं इस बात को कि हुई है ऐसी कहीं 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 कमी हुई है जनप्रतिनिधि के साथ, ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से? नहीं, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आपने जिस पत्र की बात किया, आपके मीडिया के माध्यम से ही हम लोग देखे हैं कि ऐसा पत्र जारी हुआ है, इसलिए हमने इस बात को रखा। हमने कोई ना उसमें ये आया है कि कहीं कोई ऐसा हुआ है या इस कारण से भेजा गया है। मीडिया के माध्यम से हमने भी सभी पत्र पेपर में भी हमने पढ़ा था, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा है किस प्रकार का पत्र जारी हुआ है। इसकी क्या सच्चाई है यह हमको नहीं पता है, लेकिन हमने जो समाचार पत्र के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ा, उसमें इस प्रकार का पत्र सामान्य प्रशासन से गया है, इसकी हमको जानकारी हुई। इसलिए हमने आपको बताया कि हो सकता है कि इस कारण से सामान्य प्रशासन को पत्र भेजना पड़ा हो। देखिए, जो विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, उस विपक्ष को तो इस बिहार में कुछ बोलने नहीं चाहिए अपराध पर। उनको यदि अपनी सरकार का ध्यान यदि आ जाए, अपने पुराने बीते दिनों का याद उसको आ जाए, तो उसको एक शब्द अपराध पर बोलने का अधिकार नहीं है। इसलिए विपक्ष की बात की हम चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन आपने सही कहा, मधुबनी में एक पत्रकार की हत्या हुई है। कल मैंने उसके आवास पर उनसे मिलने के लिए गया था बेनीपट्टी में। उन्होंने बताया उनका आशंका है कि हमने एक सोशल एक्टिविस्ट के तरह कुछ स्वास्थ्य सुविधा पर, कुछ फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई कराने का हमने प्रयास किया था, और हमको आशंका है कि उसी से जुड़े लोग हमारे परिवार के, हमारे जो अविनाश जो पत्रकार थे, उसकी हत्या में संलिप्त है। ऐसा उन्होंने कल आशंका जताया। उनका कहना था और जायज भी मांग था कि हमको कुछ नहीं चाहिए, न हमको मुआवजा चाहिए, न हमको कुछ चाहिए, हमको अपने इस अविनाश झा पत्रकार के हत्यारा का सही ढंग से जांच हो करके और हत्या करने वाले पर उचित कार्रवाई हो, ये उसका मांग था, जिसको हम जायज मानते हैं। हमने उनको आश्वस्त किया है, उसे वहाँ की पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हमने उनको आश्वस्त किया है कि हम DGP से बात करके और इस पूरे मामले को उच्च स्तरीय ठीक से जांच करके, जो सही है, जो यदि जो हत्यारा है, उस पर कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए।